खरगोन जिले में कुंदा नदी के नवनिर्माणाधीन पुल के नीचे सोमवार को नरकंकाल मिला था, जिसमें हड़कंप मच गया और लिहाजा पुलिस ने मामले की पड़ताल करके तफ्तीश में खुलासा किया और उक्त कंकाल खरगोन के मोतीपुरा इलाके में रहने वाले संजय वर्मा का बताया है, जिसने 6 माह पहले पुराने पुल से शराब के नशे में नदी में छलांग लगाई थी जो लापता चल रहा था। इस दौरान थाना प्रभारी प्रकाश वास्केल ने बताया कि मौके पर मिले कपड़ों के आधार पर उसके परिजनों ने नरकंकाल की पहचान संजय वर्मा के रूप में की है, जिसका डीएनए टेस्ट कराने के लिए भेजा है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, कल नया पुल जो निर्माण हो रहा है नवग्रह मंदिर के पास में, वहाँ पे एक कंकाल मिला था। हमने कल उसका मर्ग पंजीबद्ध करके जाँच की थी, तभी जानकारी लगी कि करीब 6 महीने पहले छोटी पुलिया से एक व्यक्ति नदी में कूदा था, जिसका उस समय मैं काफ़ी तलाश करवाया था, परंतु ना तो व्यक्ति मिला था ना उसका शव मिला था। कल हमने उसके परिजनों को भी बुलवाया था, जब परिजनों को उसके कपड़े से शिनाख्त करवाई तो परिजनों ने उसको पहचान लिया, कपड़े जो है कपड़ों से पहचाना कि वो उनके ही परिवार का सदस्य था। इसमें 6 महीने पहले उसकी गुमशुदगी दर्ज थी थाने पे, और संजय पिता सीताराम वर्मा लक्ष्मीनगर मोतीपुरा का था वो। परिजनों को जो है बुलाकर शिनाख्त के बाद हमने पीएम करा कर और जो भी अस्थियां थी, जो मानव कंकाल था, वो परिजनों को सुपुर्द कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।